मेरे साथ इस समय मीरन बोरवांकर जी भी हैं। मीरन जी, आपके पास थोड़ा देरी से आ रही हूँ, लेकिन अभी बीना लक्ष्मी जी ने जिन जिन चीज़ों को एक तरीके से रेखांकित किया, सतह पर लाया, और आप क्योंकि फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर भी हैं, ऐसे में सबसे पहला सवाल तो ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि मणिपुर में हिंसा या मणिपुर जलता रहे या इसी तरह की स्थितियां बनी रहें, शांति ना हो, किसका फायदा है? आखिर कौन इसमें अपना फायदा देख रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी के थ्रेट को भी ताक पर रख दिया गया? क्या फायदा, किसका फायदा और कब तक? इसमें तीन प्रकार के लोगों का फायदा है। पहले तो राजनीतिक नेताओं का, फिर एक्सटर्नल फोर्सेस जो बहुत इंटरेस्टेड हैं हमारे देश को विचलित करने के लिए, डिस्टेबलाइज करने के लिए, और तीसरा जो नारकोटिक्स के डीलर्स हैं, ट्रेडर्स हैं नशीली पदार्थों का, उनका भी एक नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ा वेटेज है और वो बहुत ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे कि नेशनल सिक्योरिटी को चैलेंज करें। परंतु मेरे एज ए फॉर्मर पुलिस ऑफिसर, मेरे सामने जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो 6000 एफआईआर्स, उनकी इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाएगी? अगर एक तपासी अमलदार को, विच मीन्स एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, मैं 10 केस भी दूँ तो मुझे 600 इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स चाहिए, मुझे टेक्निकल एक्सपर्ट्स चाहिए जो किस मोबाइल की, किस आदमी की, किस आरोपी की कहाँ प्रेजेंस थी वो सिद्ध करे, मुझे साइबर एक्सपर्ट्स चाहिए, मुझे फॉरेंसिक लेबोरेटरी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स चाहिए, और मुझे स्पेशल कोर्ट्स चाहिए ये 6000 केसेस जो आउट ऑफ मणिपुर ट्रायल करेंगे। तो यहाँ जो भी बैठे राजनीतिक नेता हैं उनसे मेरा ये प्रश्न है कि एज ए पुलिस ऑफिसर आप 600 इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कहाँ से लाएंगे, टेक्निकल एक्सपर्ट्स, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, साइबर एक्सपर्ट्स, और उसके अलावा कितनी कोर्ट्स बनाएंगे, कितने साल ये केसेस चलेंगी? तो ये इतनी भयानक परिस्थिति है कि मेरे मन में तो एक ही विचार आता है कि अगर देश में लोकतंत्र रहना है तो क्या राजनीतिक नेताओं और पार्टियों के सिवाय बिना उनके देश में लोकतंत्र हो सकता है क्या? जी आईपी सिंह जी, आरपी सिंह जी, सवाल आपका। जिस सरकार को ये नहीं पता कि जितनी एफआईआर लॉज हुई उनमें मर्डर की कितनी, रेप की कितनी, बाकी क्राइम्स की कितनी, जिस सरकार को और डेटा नहीं पता, जो सारे डेटाज मीडिया को पता है, जीरो एफआईआर रिलेवेंट पुलिस स्टेशन तक पहुंची कि नहीं पहुंची, इसके अलावा जो बंदूकें लूट ली गई, और अभी बड़ी गंभीर बात कह रहे थे सुबीर जी कि वो बंदूकें लूटी नहीं गई बल्कि उन्हें बांटा गया, तो ये कहना बीजेपी विधायक का कि ये हिंसा राज्य प्रायोजित है ये कहीं से भी गलत नहीं दिखता। लेकिन जिस सरकार को ये सारी डिटेल नहीं पता, वो सरकार ये कैसे सुनिश्चित करेगी, जैसा अभी कह रही हैं मीरन जी, 6000 एफआईआर, कैसे होगा न्याय जी, है कोई रोड मैप आपके पास? जी धन्यवाद जी। वो जो सरकार महोदय अभी कह रहे थे कि कहां क्लिनिंग हुई, या उनको जानकारी में ओपी विलेज है वीर भूमि में जाकर देख लें, वहां सफाया कर दिया गया है। मैं कहना मुझे हिंदू मुसलमान बनाना नहीं था, पर उनके कहा था कि मैं पूरे कर पड़ा एक मिनट, अरे तो कह रहे तो उन्होंने बड़े का देते मैं सवाल आपसे सुन रहे, पूरी बात तो कर, पूरी बात तो कर ले, मेरी बात पूरी कर ले, मैं पूरी बात करूं अपनी, क्योंकि अगर मुझसे कुछ आप अकेले तो नहीं, बाकी सब अपने प्रश्न नहीं। मैंने सवाल पूछा कि स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को तो सुप्रीम कोर्ट को बताने को ये तक नहीं मालूम कि एफआईआर किस किस क्लासिफिकेशन में हुई, ये तक नहीं मालूम कि 14 दिन बाद जीरो एफआईआर आपको कैसे पता? तो सर ये बताना पड़ेगा ना आपको। जी मैं उत्तर दे रहा हूँ, कोर्ट के अंदर जब जो रिप्रेजेंट करता है कोई यकायक प्रश्न पूछा जाता है उसका उत्तर भी दिया जाता है। कोर्ट की हियरिंग कोई आज आखिरी हियरिंग नहीं थी, 20 जुलाई कल हियरिंग होगी या परसों हियरिंग, 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और उसी दिन से तय था कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर हियरिंग करेगी। 20 जुलाई और 31 जुलाई के बीच का फासला 11 दिन का होता है सर, और ऐसे में अगर ये कहा जाता है कि स्टेटस रिपोर्ट तैयार करने के लिए मुकम्मल वक्त नहीं मिला, तो वो मैं नहीं बल्कि मेरे दर्शक या फिर इस देश की अदालत में जो लोग बैठे वो आपको बताएंगे। जी गरिमा जी,
आप क्या प्रश्न पूछेंगे, हर प्रश्न का उत्तर मेरे पास हाथों हाथ नहीं होगा ना। इसी प्रकार जो कोर्ट में वकील खड़ा होता है, जो जिस स्टेट को या जिस क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो जरूरी नहीं कि उसी समय उत्तर दे, अगले दिन भी उत्तर दे सकते हैं और अगली हियरिंग पे भी उत्तर दे सकते हैं। तो सुनिश्चित है जो जो प्रश्न उनसे पूछे गए उनको उत्तर देने ही पड़ेंगे, उत्तर देंगे भी। परंतु मैं मूल बात पे वापस जाता हूँ, 5 साल तक सरकार थी बीरेन्द्र सिंह की, वहां पर शांति बहाल रही, कोई दिक्कत नहीं रही, कोई लॉकडाउन नहीं हुआ, कोई वहां पर हड़ताल नहीं हुई, सब कुछ चीजें ठीक रही, एक माहौल ठीक रहा, और एक कोर्ट के ऑर्डर के चलते हुए कुछ हुआ। अब उसके कारण से चिंता होगी, उसमें जो बेस्ट सरकार कर सकती है वो करे। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि उनको उसकी जांच करनी है तो अपनी एसआईटी बिठाए और जांच करा ले, और जिसको वह दोषी पाएगी उसको सजा मिलेगी। कोर्ट के ऑर्डर को आप बार बार जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, कोर्ट का ऑर्डर आपको लगता है बड़ी वजह है, तो फिर आपकी जो सीक्रेट एजेंसीज थी वो क्या कर रही थी? सर मैं नहीं पूछना चाहती ये सवाल आपसे, गरिमा आप जवाब देने की स्थिति में नहीं। गरिमा जी, आपके जिस दिन कोर्ट का ऑर्डर आया, सुनिएगा एक मिनट, सुनने की क्षमता रखिएगा, क्या कर रहे थे, उन्हें क्यों नहीं मालूम था कि जो वर्डिक्ट आने वाला है वो इतना सेंसिटिव है, जो टिप्पणी आएगी कोर्ट की वो इतनी सेंसिटिव है कि उसके बाद कम्युनल हार्मनी बिगड़ सकती है? अब ये तो आप कैसे अपेक्षा करते कि हाई कोर्ट का जज क्या टिप्पणी देगा, और इतने सालों में उस पर टिप्पणी नहीं हुई उस इशू पर किसी और हाई कोर्ट के जज ने कभी टिप्पणी नहीं करी, अभी हाई कोर्ट के जज ने कोई टिप्पणी कर दी तो उसके ऊपर कैसे कोई सोच कर रखेगा? कोई मशीन लग सकती है कि किसी हाई कोर्ट के जज के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या उत्तर देगा? अब वो जब आई उसके कारण से परिस्थितियां बिगड़ी। हम मानते राम मंदिर पर फैसला आना था, जी राम मंदिर पर फैसला आना था, आप ही ने तमाम लॉ एंड ऑर्डर चाक चौबंद किए थे, आप ही ने व्यवस्था की थी कि अगर इस तरह की कोई स्थिति पैदा होती है तब कितनी सीआरपीएफ की टुकड़ी चाहिए होंगी, कितना आर्मी, कितना बीएसएफ, ये आप ही ने तय किया था। जी मीरन जी, जी धन्यवाद। तो कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो परिस्थिति बनी, अब पिछले कुछ दिनों में वहां पर परिस्थितियां अच्छी हुई हैं, स्कूल वापस खुले हैं वहां पर, ये आपके आंकड़े सरकारी मुलाजिम है, ये आपके सरकारी मुलाजिम, ये आपके आंकड़े, मैं अभी 2 दिन पहले का जो वायलेंस है फिर उसका डेटा पढ़ूंगी। ये मेरे निजी आंकड़े नहीं है सर, मैं 2 दिन पहले जो वायलेंस है उसका डेटा पढ़ूं क्या? मणिपुर की सरकार को मानना ही पड़ेगा, ये नहीं सकता मणिपुर से। अब वहां पर 80% से ज्यादा स्कूल खुल चुके हैं, 70-72% वहां पर जो अफसर है, जो मुलाजिम है वो काम पे आ चुके हैं, स्थितियां बैक टू नॉर्मल हो रही है, बीच बीच में घटनाएं हो रही है, उनकी चिंता हो रही है। और सरकार बीना लक्ष्मी जी, क्या ये आंकड़ा सत्य है? बीना लक्ष्मी जी, मेरी जानकारी में तो सत्य नहीं है, क्या ये आंकड़ा सत्य है? 72% से ज्यादा सरकारी मुलाजिम लौट गए, 80% से ज्यादा बच्चे स्कूलों में, और मैं सिर्फ इम्फाल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मोयरंग की बात कर रही हूँ, मैं सैकुल की बात कर रही हूँ, मैं चूरा चांदपुर की बात कर रही हूँ, मैं कांगपोकपी की भी बात कर रही हूँ। अभी पूरा वॉर जोन है, बिल्कुल वॉर जोन है, अभी पूरा बफर जोन बनाया गया है, एंड अभी तक आम जनता के ऊपर जो गांव में जो बॉर्डर एरिया पे हिल वैली अबाई पे लगातार अभी खेती नहीं हो पाए है, वो फार्मर्स के ऊपर गोली चला रहा है, हर 360 एंगल से गोली चला रहा है, कैसे ये सिचुएशन नॉर्मल बता सकते हैं हमारी गवर्नमेंट? इसीलिए बता रहे हैं कि प्लीज ओपन योर आईज, सिचुएशन इज अ वॉर जोन, इट्स अ वॉर जोन राइट नाउ इन मणिपुर, पूरा फैमिली है हमारा, पूरा लोग रह रहे हैं, एंड इट इज अ कंप्लीट वॉर जोन। सो ओनली द सिचुएशन विच इज नॉर्मलाइज है जो इम्फाल एरिया में, यू नो जो कैपिटल है ना, जो आप लोग आते हैं 15 किलोमीटर्स के आके जाके इस क्लासिक होटल में रह के, उस एरिया ही अब नॉर्मल सी लगा पा रहे हैं आप लोग। इसीलिए जो ऑपोजिशन का भी पार्टी लीडर्स आए हैं, वो खुद पता है कि गोलियां का आवाज, स्नाइपर राइफल्स का, रॉकेट लॉन्चर्स का आवाज, ये क्या है? हमारे एक छोटा सा ब्यूटीफुल स्टेट को वॉर जोन बनाया है, इसीलिए हम आरपी सिंह जी शायद सुन रहे होंगे, बीना लक्ष्मी जी आरपी सिंह जी सुन रहे होंगे और ज्यादा बेहतर सच्चाई मणिपुर की जान रहे होंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं जानती, लेकिन जानबूझकर, उस वही मैंने कहा था शुरुआत में कि झीना पर्दा टंगाया गया और वही तार तार किया आज सीजेआई ने। मीरन जी कुछ कह रहे हैं, जी मीरन जी। आप मिस्टर सिंह से ये पूछिए कि वो बीजेपी के स्पोक्समैन हैं, वो 600 तपासीय मालदार ये 6000 केसेस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहां से लाएंगे, फॉरेंसिक लेबोरेटरीज कहां से क्रिएट करेंगे, कितनी स्पेशल कोर्ट्स वो चालू करेंगे? अगर हमें आगे जाना है
तो बीजेपी या जो भी सरकार मणिपुर में है उनका कुछ ब्लूप्रिंट आना चाहिए। जब तक आरोपी को, गैंग रेपर को सजा नहीं होती, तब तक उनके मन में ये डर नहीं बैठेगा और महिलाओं पे ऐसे ही अत्याचार बढ़ता जाएगा। मीरन जी, जिस सरकार को मालूम ही नहीं कि मणिपुर की स्थिति खराब है या बेहतर है, जो सरकार ये क्लेम करती है कि मणिपुर की स्थिति बेहतर है, वॉयलेंस नहीं है, उस सरकार से ये प्रश्न पूछना थोड़ी सी मुझे भी लगता है कि मेरी नादानी होगी। सुबीर भौमिक कुछ कह रहे हैं। सुबीर जी, बहुत छोटा सा आपसे रिएक्शन अंत में चलते चलते चाहती हूँ, समय की बात है। रिएक्शन मेरा नहीं, मेरा अच्छा दोस्त लेफ्टिनेंट जनरल निशिकांत सिंह, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए जंग किया, मणिपुर से आते हैं, उन्होंने क्या कहा वो थोड़ा गौर फरमाइए। उन्होंने मणिपुर का हालत लेबनान, सीरिया, नाइजेरिया और दूसरे दुनिया के बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट जोन के साथ तुलना करके कहा है, आई डोंट फील दिस इज माई होम, दिस हैज बिकम वन ऑफ दीज कॉन्फ्लिक्ट जोन्स लाइक रवांडा। और याद रखिए, निशिकांत जी यूएन पीस कीपिंग ड्यूटी कर चुके हैं, इस तरह के जगह में वो ड्यूटी करके रहे और भारत के लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं, कोई ऐरा गहरा या वहां का प्रवक्ता आके हल्ला नहीं कर रहे। ठीक है, चलते चलते क्या मैं मणिपुर की जनता और देश की जनता ये उम्मीद करे कि आरपी सिंह बीजेपी के हवाले से ये मानते हैं कि चूक हुई है, फेलियर रहा है? मैं वापस कहता हूं, और मैं क्योंकि तो आपके जितने प्रवक्ता बैठे हैं वो कांग्रेस के हो, वो बहन हो पीना लक्ष्मी हो, वो बीबीसी के जो यहाँ पर पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हो, उनमें से कोई ये बताने को तैयार कि ये परिस्थिति अभी तक बिल्कुल ठीक थी, 5 साल तक परिस्थितियां ठीक रही, हालात ठीक रहे, यकायक क्यों बिगड़े, उसके ऊपर तहकीकात करे। हम तो कह रहे हैं कोर्ट SIT बिठाए और उस SIT की जांच के बाद वो ईमानदारी से दुनिया के सामने देश के सामने।